पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी, इसके बाद 14, 20, 23 और 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को वोट पड़ेंगे। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक फेज में यानी 14 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में 2 चरणों में यानी 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद सियासी हलचलें और भी तेज हो गई हैं। यूपी की 403 विधानसभा, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60, पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी वादों की भी बौछार होने लगी है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के सपा में शामिल होने पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टुकड़ी गैंग कई सदस्य हैं। कांग्रेसी टुकड़ी गैंग आज सपा में शामिल हो रही है। ये लोग सांप्रदायिकता का बीज बोकर राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करना चाहते हैं।